हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं सौरभ एस कुमार आ चुका हूँ आज फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, मॉर्निंग रैपिडो फटाफटी इंसेंटिव का जो है ना गारंटेड वाला, वो आज करने वाला हूँ चैलेंजिंग वीडियो। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और हम निकलेंगे 7 बजे और 7 से 11 का काम करने वाले हैं भाई। और देखेंगे कितना फटाफटी में कितना क्या हो पाता है। उसके बाद अर्निंग तो भाई होगी होगी क्योंकि इंसेंटिव बहुत तगड़ी वाली है ना। तो चलो उस इंसेंटिव को लूटते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। लेट्स गो गाइस। देखो गाइस, सुबह के एकदम नेट 7 बज रहा है अभी, ठीक है। नेट 7, ये दिखाता हूँ टाइम आप लोग को, खुल जा सिम सिम, ये देखो, ठीक है। अभी हम लॉगिन करने वाले हैं, ये हो गई ऑन। चलो गाइस, आज का पहली राइड का हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि फटाफट मॉर्निंग क्या है ना, एक इंसेंटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको अगर काम करते हैं, उसमें 6 राइड करते हैं, तो आपको 500 रुपये तक मिलेंगे। मतलब जो अर्निंग करोगे करोगे ही, उसके बाद जितना भी कम होगा उसमें से ऐड करके आपको 500 कर दिया जाएगा 6 राइड में, ठीक है। उसके बाद अगर गाइस 5 राइड करते हो तो फिर आपको 350 मिलेगा, और अगर 3 राइड करते हो तो 250। तो ऐसे ही भाई है रूल, बस सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आपको काम करना है भाई साहब। आधे घंटे बाद मिला मेरे को एक राइड एयरपोर्ट की। तीनटा बोलो फ्लाइट है ना कि है, फ्लाइट है 7700। चलो गाइस, इस राइड का मिला 43, बट भैया ने मेरे को पे किया 80 रुपीस, ठीक है। चलो भैया, सुबह सुबह डबल की फ़ायदा है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, तब तक होती है। और एयरपोर्ट की ये राइड थी, मैंने ड्रॉप कर दिया। सेफली ड्राइव, सेफली लाइव। पिकअप देखो गाइस कितनी बड़ी बड़ी दे रही है यार, 4.5 किलोमीटर की पिकअप दे रही है। इतना लंबा पिकअप देगा तो कैसे चलेगा भाई। देखो चलो, एक और मिल गया राइड मेरे को, थोड़ी सी लंबी है बट अभी क्या कर सकते भाई, राइड नहीं मिल रहा। तो ये है जोध भीम की, जोध भीम मतलब गीतांजलि की होगी भाई। चलो पिक करते फटाफट से। बोलो है ऑटो एक रास्ता बोले गांधी के। चलो गाइस, ये 107 की राइड हो गई कंप्लीट। देखता हूँ कितना मिलता है इस राइड पे, दे देता हूँ रेटिंग। हट इस राइड पे मिला 81, बताओ भाई 12 किलोमीटर का 81। चलो कोई नहीं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थी तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग रैपिडो। चलो गाइस, एक राइड मिल गया मेरे को, 1.5 पिकअप है और ड्रॉप जो था 2.7 की है। चलो फटाफट करते हैं, कृष्ण नगर की है। পিনটা বলো ঠিক আছে, মাঝখানে রেখে নাও, কি আছে কি জিনিস। चलो गाइस, ये हमारी 26 की राइड हो गई कंप्लीट, ठीक है। 35 का रेस्ट कलेक्ट, 26 रुपये मिला। और ये देखो भाई ने क्या कर दिया,
नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब क्या, चलो एक और राइड आ गई आ गई आ गई आ गई, कंफर्म कंफर्म। हाँ चलो भैया हो गया कंफर्म। ये 20 मीटर, चलो चले पिक करने। मेरा 3 नंबर राइड हो गया कंप्लीट, अब चौथा जा रहा हूँ पिक करने। जल्दी से भाई हो जा फटाफट से 2-3 राइड। हाँ हो जाने बोलो, ठीक है। चलो गाइस ये हमारे 33 की राइड हो गई कंप्लीट, इस पर मिला भाई 23 रुपीस, बहुत बढ़िया। अब अपने के हाथ में 1.5 घंटे समय है, इस 1.5 घंटे में 2 राइड करने हैं। अगर 3 राइड हो जावे तो मेरे को 7 इंसेंटिव का 135 रुपया मिल जावे, ठीक है। तो चलो गाइस हमारी ये लास्ट वाली भी राइड हो गई कंप्लीट सेक्टर 5 का। अब एक राइड और मिल जाना भाई अपना, वो सारा इंसेंटिव कंप्लीट हो जाएगा 7-11 वाली। ये लो मिल गई, ले भाई चल मिल गया, चल मिल गया मिल गया मिल गया, काम बन गया अपना अभी क्या। अब बाकी इंसेंटिव जो है सारा कंप्लीट है, दिखा दिखा दिखा। हाँ बस एक राइड था वो भी आ गया, बस कैंसिल ना हो ये बंदा, बस एक्सेप्ट कर ले मेरा 750 मीटर पिकअप, लेट्स गो। कैंसिल कर दिया भाई, वेट नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, अभी भी हमारे हाथ में 11 मिनट है, मतलब 10 मिनट है, देखते हैं आता है राइड तो ठीक, नहीं तो भाई कुछ नहीं कर सकते। तो चलो गाइस 135 का जो इंसेंटिव वाला था मैंने कंप्लीट कर दिया, 7 का 7 ऑर्डर, ठीक है। और मेरे को क्या लग रहा था, मतलब 10:30 बजे ही मैं सोच रहा हूँ कि टाइम ख़त्म, अब नहीं बचा, अब नहीं मिलेगा ऑर्डर और मेरा इंसेंटिव ख़त्म। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो 10:30 ही बज रहा भाई, आधा घंटा हमारे हाथ में है। फिर मेरे जी में जान आई भाई, तब जा करके एक और राइड मिली, मैंने कंप्लीट कर दिया। टोटल 7 राइड मैंने 10:30 बजे ही मेरा मतलब हो मिल गया था, और कंप्लीट करते करते मैंने 11 बज गए, ठीक है। भैया थोड़ा सा डिले कर दिया आने में, और इतना ट्रैफिक था निकलने में टाइम लग गया, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हमारा 7 ट्रिप कंप्लीट हो गया है। तो 7 ट्रिप का 135 इंसेंटिव मिल चुका है, और गाइस 500 वाला जो टारगेट था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है, 6 ट्रिप पे 500 रुपये, ठीक है। 7-11 वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी ऑफलाइन कर दिए हैं,
लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता मेरा कुछ इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। रीज़न बताता हूँ, फ़ायदा मतलब वही इंसेंटिव वाला सिर्फ होगा, और अर्निंग जो हो गई ना हमारी, मैं वो बता देता हूँ। अर्निंग ये तो लगभग कितनी हो गई, 411 रुपये की अर्निंग हो गई। अब इसमें से क्या ही मतलब कंपनी मेरे को ऐड करेगा, ऐड हाईएस्टली मेरे को लगता है कंपनी ऐड करके देगा वही कुछ 89 रुपीज़, इसको 500 टोटल कंप्लीट कर देगा और कुछ भी नहीं। और गाइस गाड़ी जो हमने चला ली ना, गाड़ी तो बहुत अच्छी खासी चला ली, क्योंकि मैं वेट कहीं नहीं कर रहा था, जैसे ही ड्रॉप कर रहा था तुरंत ही भाग जा रहा था दूसरे लोकेशन पे, ठीक है। तो मैंने गाड़ी जब स्टार्ट किया था उस समय थी हमारी गाड़ी 647 किलोमीटर पे, ठीक है, और अभी जो है 703 हो गई भाई, मतलब बहुत तगड़ा चला लिया गाड़ी मैंने, 411 की अर्निंग। और एक भैया ने मेरे को एक्स्ट्रा दिया था, कितना मेरे को याद भी नहीं है, 53 ऐसा कुछ का राइड था, उन्होंने मेरे को 80 रुपये पे कर दिया था एयरपोर्ट वाले भैया ने, तो वो एक अलग से एक्स्ट्रा हो गए। मैं एक रुको साइड में रुक करके थोड़ा देख के क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो गाइस भैया ने मेरे को 27 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, ठीक है, तो टोटल 437 रुपये 38 रुपये हो रहा है, तो आप इसको 440 रुपये मान सकते हो। और गाड़ी जो हमने चलाई ना, मैं निकला था कितने में, 643 में, और अभी जो रही है वो 703 हो रही है, तो इसको मैं 6 कर देता हूँ, 706, ठीक है। टोटल 63 किलोमीटर हमने चलाया, अगर ये हमारी पेट्रोल गाड़ी रहती तो इसका पेट्रोल कॉस्ट बन जाता गाइस ऑलमोस्ट 130 रुपये के आसपास बन जाती, लेकिन ठीक है भैया अपना ही सब सेविंग हो गया है ना। चलो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे यार, आप लोग के लिए मैं चैलेंजिंग वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो भैया को फुटानी देख रहे हो, ड्रम में भी डिस्क मार रहा है, ये देखो देख लो फुटानी। सब्सक्राइब करो फटाफट से और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ योर लाइफ।